कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी ने हास्य कहिर ति ति रा, राजन पुमान वेद विधि सतम यदि जिज्ञासया युक्ता मुहंती कवियो अपि ही हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी न हास्य कही चित्राजन पुमान वेद विदित सितम विद, विद यद्विजिज्ञासयायुक्ता मुहंती कवियो अपि ही हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी न हास कहे चित्राजन उमान वेद विदितसितम यद्विजिज्ञाशयायुक्ता मुहंती कवयो अपि हि हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी न हास्य कहे चितरज राजन उमान वेदे विदित यदि जिज्ञासया युक्ता मोहंती कवियो अपि ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओके सो हम अब शब्दार्थ पढ़ेंगे और उसका अनुवाद अर्थात पर ज्वाइन ग्रेशीश भक्ति विदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा रूपांतर की जय जय ना कभी नहीं ही निश्चय ही अस्य उसका कहिरचित कोई भी राजन हे राजन उमान कोई पेद जानता है विधित योजना यत जो विगीक्षया जिज्ञासा युक्ता लगा हुआ मोहयंती मोहग्रस्त कवया बड़े बड़े विचारक अपि ही निश्चय ही तात्पर्य हाँ श्लोक का अनुवाद है हे राजन भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उसके विषय में जिज्ञासा करते हैं लेकिन वे मोहित हो जाते हैं तात्पर्य पढ़ लेते हैं परम विशेषज्ञ बारह प्राकृत प्रधिकृत पुरुषों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ है यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मणों के कारण नहीं थे भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े भीष्मेव धर्म की विजय देखकर निश्चित ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को संघर्ष रूढ़ सिंहासन ऋढ़ देखकर प्रसन्न थे यद्यपि वे स्वयं उनसे उनके विरुद्ध लड़े थे भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता चाहे कोई कुछ भी करना चाहे भीष्म देव भगवान के महान भक्त थे लेकिन उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाहते थे कि गलत पक्ष की ओर होकर की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता हरे कृष्णा हरे कृष्णा मम ज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानंजन सलाखे चच्छरोपर मृतमैन पस्मै श्री गुरुवे नमः प्री चैतन्य मनोमिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामियं ददाति सुखम् मूकम करोति वाचालं पंगुम लंगयतेगिरिम तौ कृपातम अहं बन्दे श्री गुरु दीनतारणम् चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री

कृष्ण सो so, आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट uh, है हमारे लिए तो यहाँ पे बात हो रही है कि, uh, कि जो भी पांडवों की जिंदगी में हुआ बता रहे हैं कि वो भगवान की इच्छा के कारण हुआ और फिर यहाँ पे प्रभुपात बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा के कारण बहुत कुछ होता है हमारे जीवन में तो हम हमें भगवान की इच्छा मान लेनी चाहिए राइट बात यह आती है कि अक्सर आपने भी लोगों से यही सुना होगा कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है राइट तो प्रश्न ये है हम सब के लिए कि क्या हमारी गलतियां भी भगवान की इच्छा से होती हैं कि अगर कोई किसी का जाके मर्डर कर दे तो क्या वो भगवान की इच्छा से हो रहा है क्योंकि लोग बोल सकते हैं कि आप लोग तो बोलते हैं भक्ति करते सब भगवान की इच्छा से हुआ तो आपने कल को किसी के साथ गलत किया तो भगवान की इच्छा हम तो हमारा कोई गलती नहीं है भाई सब भगवान की इच्छा से हो रहा है राइट right? हाँ एस्पेशली जब कुछ गड़बड़ हो तो अच्छा हो तो हमारी इच्छा से हो रहा है हमारी करने से होता है और गड़बड़ हो गया तो भगवान की इच्छा से हो रहा है ऐसा हम लारी जीवन में भी आता होगा प्रश्न राइट है कि नहीं सब लोग एग्री करते हैं हां जी प्रभु जी जी प्रभु जी जी क्या मतलब सब भगवान की इच्छा से होता है कि हमारी भी कुछ उसमें नहीं प्रभु जी, बुरे कर्म तो हम खुद ही करते हैं अच्छे कर्म जो करते हैं तो फिर <laughs> कोई कोई हमारी अच्छी होगी तो उससे परमात्मा हमारे पे प्रसन्न होकर हम पे कुछ है ना अच्छा हो जाता है हमारे साथ यस तो बेसिकली यहाँ पे बताया जो जा रहा है कि जो भी महाभारत हुआ भीष्मेव बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि ये चीज भगवान का प्लान था तो बोल रहे बेसिकली युधिष्ठिर महाराज जो आप टेंशन ले रहे थे कि सब मेरे कारण से मार दिए गए सब ये सब विधवा हो गए लोग मर गए ये आपकी गलती नहीं है भगवान कृष्ण की गलती मतलब प्लान उन्हीं का है सब <laughs> गलती नहीं प्लान उन्हीं का था राइट right? तो okay, क्या ये बात सही है इसको कैसे हम समझे अपने जीवन में कि प्रभु जी जो भी होते हैं वो प्रभु की इच्छा से ही होते हैं ना जो भी हमारे जीवन की प्लानिंग्स है हम जो मर्जी सोचते रहे बट हमारी सोच से तो नहीं चलता जीवन तो प्रभु की इच्छा से ही चलता है ना इच्छा हाँ के हिसाब से आप सही बोल रही हैं लेकिन इच्छा दो दो शब्द हैं एक होता है इच्छा और एक होता है नीति प्लान प्लान राइट तो पहला है डिजायर और दूसरा है प्लान तो इच्छा तो हमारी होती है इच्छाएं तो हम अपने हृदय में करते हैं भगवान बोलते हैं कि जो जीव जैसी इच्छा करता है मैं उसको वैसा दे देता हूं ये सब आप सब लोग भगवत गीता में पढ़े हैं ना कि भगवान बोलते हैं कि हृदय में मैं बैठा हूं परमात्मा के रूप में मैं मैं दो काम करता हूं ये जो हृदय है हमारा इसमें परमात्मा बैठे हुए हैं और आत्मा है और जो ये आत्मा जो इच्छा करती है भगवान दो काम करते हैं ये परमात्मा में है परमात्मा के रूप में इनका दो काम है पहला क्या है अप्रूवल देना तो जो भी आप इच्छा करोगे उसका अप्रूवल देंगे और दूसरा क्या करते हैं साक्षी हैं जो भी नॉनसेंस करोगे सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं विटनेस विटनेस हैं और अप्रूव देते अप्रूवल देते तो जो भी हम ये आत्मा जो है आत्मा जो भी इच्छा करती है जो भी इच्छा करती है भगवान क्या करते हैं ये मस्त होश रहो आपने इच्छा किया मुझे भक्ति नहीं करनी भगवान बोलेंगे कोई बात नहीं मत करो बोले तो भक्ति करनी है ठीक है भक्तों से मिला देंगे आपने इच्छा किया मुझे सोना है ओके सो जाओ जैसे हमारे माँ बाप बचपन में जब हम छोटे थे तो स्कूल स्कूल जब नहीं जाते थे तो माँ बाप सो जाओ सोना है पापा अभी नहीं उठना है तो सो जाओ कोई बात नहीं आ, जगना है ठीक है जाओ खेलो राइट तो माँ बाप वो बेस्ट माँ बाप माने जाते हैं कि जो बच्चे का जो डिजायर है पूरा कर दें मतलब जैसे बोला वैसा पूरा कर दें राइट तो प्लान प्लान भगवान का लेकिन होता है राइट तो किसी चीज का प्लानिंग करने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत होती है जैसे आपको प्लान करना है कि आपको जाना है सपोज वृंदावन हाँ मान लीजिए एक मिनट के लिए तो आपको क्या प्लान करना पड़ेगा क्या क्या चीजें प्लान करनी पड़ेंगी जैसे आप पहली बार जा रहे हैं आप कभी गए नहीं हाँ अभी कभी नहीं गए वृंदावन और आपको जाना है एक मिनट के लिए सोचिए तो पहला चीज आपको क्या जानना चाहिए सबसे पहले तो हमारे घर से वृंदावन का डिस्टेंस कितना है और मोड ऑफ कन्वेंस हम क्या लेंगे ओके सो पहला यस क्या क्या चीजें देखने वाले हैं यस तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि क्या हम जा पाएंगे कि नहीं हमारा तबियत तो तबियत ठीक है क्या मतलब प्रेजेंट तो सबसे पहले आपको देखना है करंट में मेरे पास मेरे पास पैसा है क्या प्रेजेंट में क्या क्या आता है आपका तबीयत हाँ आपका तबीयत अच्छा है आपके पास पैसा ऐसा है आप परेशान मतलब ओवरऑल आपका हेल्थ एक्सपीरियंस अच्छा है आप ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं राइट बहुत सारे लोग वो भी नहीं कर सकते बुड्ढे हो गए ओल्ड हो एज हो गया राइट तो पहले प्रेजेंट में देखना है राइट अभी पास्ट पास्ट में क्या देखना है कि जो लोग वृंदावन गए हैं वापस भी आए हैं कि नहीं आए हैं आज तक राइट हिस्ट्री देखना कि जो लोग उधर जाते हैं वो क्या होता है उनके साथ उनके साथ क्या हुआ है या कैसा एक्सपीरियंस है तो उनके पास्ट में जाके आप पूछते हैं और दूस... तीसरा चीज क्या होता है फ्यूचर फ्यूचर में जो आप सबने बताया कि कैसे जाएंगे वहां कहाँ रहेंगे किसके पास रहेंगे कहाँ पे रूम में रहेंगे क्या क्या दर्शन करेंगे कौन मुझे मदद करेगा दर्शन करने में कौन कौन से मंदिर जाना है कितने दिन के लिए जाना है ये सब फ्यूचर की बात है अभी आप सोचिए अपने कमरे में बैठ के आज सवेरे सोच रहे हैं तो सबसे पहले प्रेजेंट सोचेंगे फिर पास्ट में सोचेंगे कि भाई क्या क्या होता है वहाँ पे जाने पे मंकी लोग क्या करते हैं लोगों का एक्सपीरियंस क्या है और तीसरा फ्यूचर कि मेरे साथ क्या होगा जब मैं जाऊंगी या जाऊंगा कहाँ रहूंगी क्या खाऊंगी कौन रोड करेगा ये सब सोचिए कि एक्चुअली हमें अपने पास्ट का भी बहुत कुछ याद नहीं रहता तो पहले तो एक, पहला तो पास्ट का ही हमें ज़्यादा याद नहीं रहता हम बहुत बार ठोकर खाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि अरे हमारे साथ गलती हमने गलती की थी उससे सीखते नहीं हैं दूसरा चीज़ प्रेजेंट में हमें लिमिटेड नॉलेज होता है बहुत कम हम जानते हैं राइट जैसे अगर अभी बोलूं कि आपके सर में कितने बाल हैं तो आप नहीं बता सकते अपने शरीर का ही पता नहीं है कि कितना हमें नॉलेज हमें थोड़ा मोड़ा मोटा मोटा नॉलेज होता है चीज़ों का बट प्रेजेंट में भी हम ज्यादा नहीं जानते राइट ज्यादा हमें पता नहीं होता जैसे अभी अभी तो आपका तबीयत सही है लेकिन अगले मोमेंट खराब भी हो सकता है राइट तो प्रेजेंट में भी हमें बहुत पाँच परसेंट नॉलेज है और फ्यूचर का तो क्वेश्चन ही नहीं है हमें फ्यूचर का तो कुछ पता ही नहीं है राइट तो हम प्लान नहीं कर सकते बेसिकली राइट डिजायर कर सकते हैं जैसे इच्छा इच्छा आप कर सकते हैं कि मुझे जाना है वृंदावन लेकिन प्लान करना वो भगवान की इच्छा से होता है जैसे बोलते हैं मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज हम प्रपोज करते हैं मतलब हम डिजायर करते हैं और भगवान उसको अप्रूव करते हैं प्लान को अप्रूव करने का काम किसका है भगवान का है कैसे प्लान होगा भी वो भी भगवान ही बनाते हैं राइट right? तो जो कुछ भी होता है वो भगवान के प्लान के हिसाब से होता है जो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भीषम देव बता रहे हैं प्लान बता रहे हैं इच्छा नहीं बता रहे हैं कंफ्यूज मत होइएगा इच्छा तो युधिष्ठिर महाराज की थी युद्ध करने की लेकिन प्लान किसका था बड़ा लेवल पे हम छोटी छोटी इच्छाएं करते हैं और भगवान बड़ा बड़ा प्लानिंग करते हैं राइट तो कृष्णा प्लानिंग करते जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे इच्छा करते हैं पापा मुझे यहाँ देख घूमने जाना है अब माँ बाप क्या प्लान करते हैं कि कैसे जाएंगे कहाँ रहेंगे मेरे बच्चे को क्या कन्वीनियंट होगा क्या हमारा बच्चा कहाँ कंफर्टेबल रहेगा ये सब माँ बाप को सोचने की जरूरत है बच्चे ने इच्छा कर दी अब माँ बाप को प्लानिंग करना है ऐसे ही भगवान हमारा प्लान करते हैं राइट अब प्रश्न ये आता है कि ये प्लान अगर भगवान करते हैं राइट तो हमारी जो गलतियां करती होती हैं जैसे हमने इच्छा की किसी ने बच्चे ने इच्छा की कि मुझे बीच पे जाके समंदर के बीच पे जाके तैरना है बच्चे ने इच्छा की राइट सो so, अगर सपोज ऐसे ऐसे समंदर बना दे हम हाँ बहुत बड़ा समंदर है और उसका उसका बीच है यहाँ कॉर्नर पे तो बच्चे ने इच्छा की कि पापा मुझे जाके तैरना है इस समंदर के उसपे तो उसने तो इच्छा की लेकिन अब माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है माँ बाप की जिम्मेदारी है भाई कितना देर कहाँ कितना अंदर तक तैरेगा कैसे तैरेगा अगर डूबने लगा तो बचाना कैसे है बहुत कुछ प्लानिंग होती है राइट हमारी हाँ? तो इच्छा छोटी सी होती है लेकिन इस पूरे प्लान में कब जाना वो बच्चा कब जाएगा कैसे जाएगा कहाँ जाएगा क्या करेगा कैसे होगा कौन अगर दिक्कतें आई तो क्या होगा अगर वो डूबने लगा तो कैसे बचेगा सारा प्लानिंग माँ बाप की जिम्मेदारी हो जाती है राइट तो ऐसे ही जैसे अब अब क्वेश्चन जो यहां पे मैं आपको लाने की कोशिश कर रहा हूं एक कूड़ बात को समझना है हमें कि हम देखते हैं अभी जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे प्रेजेंट का प्रेजेंट राइट right? तो अभी वर्तमान में आप हो आप सोच रहे हो वृंदावन जाना है वृंदावन जाना है right? राइट और आपका फ्यूचर कहाँ है फ्यूचर यहाँ कहाँ है वृंदावन में आप वृंदावन जाना चाहते हो अभी आप कहाँ हो मान लेते हैं चंडीगढ़ में हो राइट चंडीगढ़ में बैठे हो और आपको जाना है वृंदावन में हम क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट में है हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ये हमारी इच्छा है अब भगवान क्या करते हैं भगवान को हम पता है कृष्णा क्योंकि वर्तमान भविष्य भूत सब जानते हैं तीनों उनको पता होता है तो वो क्या जानते हैं हमारा फ्यूचर जानते हैं कि हम वृंदावन में जाएंगे तो हमें क्या होगा तो भगवान क्या करते हैं फ्यूचर आपके प्रेजेंट में प्लानिंग करते हैं भगवान को फ्यूचर पता है भगवान उस हिसाब से आपके प्रेजेंट को डिसाइड करते हैं कि अभी आप क्या आपको मिलेगा दुख मिलेगा सुख मिलेगा आप वृंदावन कैसे जाओगे क्या करोगे ये सब का प्लानिंग भगवान करते हैं क्योंकि भगवत गीता के सातवें अध्याय के छब्बीसवें श्लोक में भगवान बताते हैं वेदाह समीता समीतानी वर्तमानी च अर्जुन भविष्याणी च भूतानी मातु वेद न बोलते हैं भगवान ओ अर्जुन मेरे जे सब पता है कि पिछले में क्या हुआ है वेदा समीतानी वर्तमानि वर्तमानी चा अर्जुन बोले मुझे भविष्य में क्या हो है और वर्तमान में क्या हो रहा है? ये भी पता है लेकिन मुझे कोई नहीं जानता भगवान कृष्ण ये बोलते हैं सातवें अध्याय के छब्बीसवें श्लोक में आप पढ़ सकते हैं राइट राइट तो हमारे जीवन में जैसे पांडवों के जीवन में बहुत दिक्कतें आई लेकिन भगवान को अंत पता था कि अंत में महाभारत में पांडव जीतेंगे और पूरा राज्य राज्य करेंगे पूरे वर्ल्ड को वो रूल करेंगे तो भगवान को फ्यूचर पता था तो भगवान ने उस तरीके से पांडवों को प्लान को डिसाइड किया तो भगवान बड़ा बड़ा प्लान करते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं अपने तरीके से हमारे तरीके से नहीं जैसे अभी जैसे प्रभु बोल रहे थे माता जी बोल रही थी कि हम ट्रेन का टिकट बुक करेंगे हाँ हम जाके होटल का टिकट बुक करेंगे सब कुछ करेंगे पता लगा ट्रेन ट्रेन का टिकट आप ट्रेन छूट गई आपकी आप गए स्टेशन पे वृंदावन जाने वाले तो ट्रेन छूट गई राइट right? तो भगवान की इच्छा नहीं थी आप ट्रेन से जाओ और पता लगा ट्रेन आगे गई ट्रेन ट्रेन पटरी से उतर गई और दो चार दो चार सौ लोग मर गए फिर जब आप वृंदावन पहुंचते हो बस पकड़ के बहुत धक्का खाते हो बस में कैसे कैसे पैसा पता लगता है वृंदावन पहुंच के अरे वो ट्रेन में तो एक्सीडेंट हो गया तो पहले तो आप दुखी थे जब आप ट्रेन छूट गई तो आप बहुत दुखी थे कि अरे भगवान चाहते नहीं मैं वृंदावन जाऊं उनकी इच्छा ही नहीं है लेकिन भगवान को उसका फ्यूचर पता था आगे जाके ट्रेन में एक्सीडेंट होने वाला है इसलिए आपको क्या किया ऐसा हमारे जीवन में बहुत कई बार हुआ होगा आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हम चाहते हैं कुछ और और होता है वही लेकिन तरीका अलग होता है भगवान के तरीके से होता है राइट और वो बेस्ट तरीका होता है हम प्लान करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अरे हमारे तरीके से तो हुआ ही नहीं लेकिन उसी टाइम भगवान का प्लान शुरू हो जाता है कि भाई तुम्हारा भविष्य में ये होने वाला है इसलिए अब तुम्हें इस तरीके से ले जाना है राइट ऐसा आप अगर अनुभव किए होंगे सब लोग अनुभव किए होंगे कभी ना कभी जिंदगी में की जब हम आप जब हम आके अभी सोचते हैं तब तो हमें पता लगता है अरे पीछे जो हुआ था अच्छा ही हुआ था क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होता तो आज शायद हम यहाँ पे नहीं होते राइट तो तो इससे पता लगता है कि ये भगवान के प्लान से होता है इच्छाएं हमारी होती हैं दूसरी बात है कि गलतियाँ किसकी होती हैं राइट अगर कोई गलती करता है तो उस किसकी जिम्मेदारी होती है तो जैसे जैसे होता है स्कूल हाँ स्कूल होता है तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं अब स्कूल का काम क्या है जैसे कोई क्लास एक में है कोई बच्चे एक क्लास और एक में सपोज जान लो पचास बच्चे अगर हैं राइट तो इस स्कूल का प्रयास प्लानिंग ये होता है कि सब बच्चे क्लास टू में जाएं राइट क्लास टू में सारे बच्चे एक साल में पास होके चले जाएं अभी क्या होता है क्लास टू में सिर्फ अड़तालीस बच्चे जाते हैं फोर्टी एट बच्चे दो बच्चे फेल हो जाते हैं दो बच्चे हो गए फेल राइट right? तो सभी बच्चों ने इच्छा किया था कि हम पास होके क्लास दो में जाएंगे स्कूल का भी प्लान था कि सारे बच्चे पास हो जाएं, हंड्रेड परसेंट मार्क्स आ जाएं सबके राइट right? लेकिन दो बच्चे फेल हो जाते हैं अब उसमें बच्चे के माँ बाप क्या बोलते हैं स्कूल वालों ने पढ़ाया लिखाया नहीं सही से मेरा बच्चा फेल हो गया <laughs> ये फिर से पैसा लेना चाहते मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहते राइट right? बच्चा भी यही बोलता है अरे टीचर ने सही से पढ़ाया नहीं था इसलिए हमें फेल हो गया राइट right? सब लोग स्कूल को टीचर को ही और स्कूल को ही दोष देते हैं ऐसा ऐसा अनुभव टीचर जो लोग आप लोग हैं उसको पता होगा लेकिन स्कूल का कभी ऐसा प्लान नहीं होता कि वो बच्चे को फेल करें right? राइट है कि नहीं अब स्कूल का बड़ा प्लान क्या होता है कि ये बच्चा जो है एक मिनट बार बार फोन आ रहा है तो इस, दो बच्चे जो फेल हो गए स्कूल फिर से उनको चांस देता है कि आप सेम क्लास में जाओ फिर से पढ़ो राइट फिर से पढ़ो या फिर से एग्जाम दो री एग्जाम दो राइट फिर से एग्जाम दो और पास कर जाओ आप फिर से क्लास टू में चले जाओ तो ऐसे ही जो हम जिंदगी में फेल होते हैं हमारी ज़िंदगी में भी कुछ हमारा प्लान होता है वो उस तरीके से नहीं होता है तो भगवान हमें दूसरा चांस देते हैं ऐसा नहीं है कि वो चांस भगवान का प्लान नहीं है हमें फेल करना जैसे स्कूल का प्लान नहीं होता है स्टूडेंट को फेल करना लेकिन भगवान हमें चांस देते हैं कि फिर से करो फिर फिर प्रयास करो हाँ अगर जो प्रयास करेगा वो क्लास टू में जाएगा जो नहीं करेगा वो नहीं जाए जैसे ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमें एक चांस मिला है हम बहुत बार हमें हो सकता है मनुष्य जीवन मिला हम फेल हो चुके हैं बहुत बार हम फेल हो चुके हैं अभी जाके आपको इतने जन्म के बाद भगवत गीता भागवतम आप पढ़ रहे हो चैंटिंग कर रहे हो ये बहुत बड़ा चांस है अगर आप हम हम लोग अगर इसमें फेल हो गए तो भी भगवान चांस देंगे ऐसा नहीं है चांस नहीं देंगे भगवान ऐसा नहीं है कि हमसे बदला लेने ले के लिए ले बैठे हुए उधर <laughs> लेकिन वो अपने प्लान के हिसाब से देने वाले हैं चांस भगवान का प्लान है सबको पास करना सब लोग भगवान के धाम चले जाएं भगवान का प्लान यही है शुद्ध भक्तों का भी प्लान यही है सबको भगवान के धाम ले जाना लेकिन अब हम जो बच्चे फेल हो जाते हैं हम जैसे लोग उनको बोलते हैं फिर से एग्जाम दो फिर से फिर से जाओ फिर से जाओ कुत्ता बिल्ली बनो फिर से चौदह सी लाख योनियों में भ्रमण करो फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा फिर से भगवान चांस पे चांस दिए जा रहे हैं हाँ एक चांस नहीं लाखों लाखों चांस देते आए पर हम इतने निकम्मे हैं कि हमें हमारी बुद्धि खुलती नहीं है हमें इसी में मजा आ रहा है चांस मिल रहा है म, अच्छा है क्या टेंशन है ऐसे बहुत ऐसे कुछ बच्चे देखे होंगे स्कूल में वो फेल होने में बड़ा खुश होते हैं क्या टेंशन है पढ़ाई लिखाई चल रही है ना क्या है? मतलब जो लोग पास हो गए क्या कर ले रहे हैं हमारा लाइफ अच्छा है आगे बढ़ना ही नहीं राइट तो पहला ये पॉइंट है दूसरा पॉइंट ये है कि जो जो प्लानिंग हम करते हैं दूसरा प्लान आता है जैसे एक एग्जांपल और प्रभुपात बताते हैं कि आम, कुछ हम गलतियां करते हैं जैसे कोई कोई शराब दारू शराब पीने लगता है कोई सुसाइड करता है किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है परिवार में लोग मर जाते हैं जैसे पांडवों के साथ हुआ बहुत कुछ हुआ पांडवों के साथ राइट पांडवों के साथ बहुत गड़बड़ हुआ मतलब उतना गड़बड़ हम हम किसी के जीवन में नहीं हुआ होगा राइट तो फिर कैसे माने कि भगवान का जो प्लान है वो हमारे लिए बेस्ट है राइट मतलब भगवान पांडवों के दोस्त थे भगवान रिश्तेदार भी थे दोस्त भी थे राइट तो एक चीज आपने देखा है पांडवों के जीवन में जो पांडव थे पांडवों का जो जीवन था पांडवों का उसमें भगवान हमेशा उनके साथ थे हमेशा उनके साथ थे कितना भी गड़बड़ हुआ उनके साथ भगवान हमेशा पांडवों का साथ नहीं छोड़े कैसे जैसे आप में से कितने लोग गूगल मैप यूज किए हैं किसी ने यहाँ पे गूगल मैप यूज किया है मतलब आप फ्रीक्वेंटली ऐसे जगह कहीं जाते हैं गूगल मैप यूज करते हैं जी तो जी जी करते, तो जी करते हैं करते हैं करते हैं राइट कोई कोई ऐसा बताए जो आप रेगुलर जाते हैं जो जो जगह पे जाते हैं आप गूगल मैप देख के जाते हैं जैसे मान लेते हैं अगर आप जैसे प्रभु जी कहाँ अभी चंडीगढ़ में चलो नरेश प्रभु का लेते हैं चंडीगढ़ में अब चंडीगढ़ से उनको जाना है आपका नज़दीकी शहर कौन सा है प्रभु जी पंचकुला पंचकूला अब इन्होंने अपनी मोबाइल लिया हा? और मोबाइल में गूगल मैप में टाइप किया गूगल मैप में डाल दिया एड्रेस और उसने बता दिया ऐसे ऐसे जाना है पंचकुला पहुंच जाएंगे आप ऐसे ऐसे बताएगा सीधा नहीं बताएंगे बहुत घुमा के ले जा अब चार रास्ते हैं जाने के एक रास्ता ऐसे हो सकता है एक रास्ता ऐसे हो सकता है एक रास्ता वैसे हो सकता है एक रास्ता ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं राइट लेकिन अब क्या करेंगे प्रभु जी एक रास्ता चूज करेंगे उसमें से राइट तो एक रास्ता इन्होंने चूज किया चलो मान लेते हैं प्रभु जी ने चूज किया मुझे इस रास्ते से जाना है राइट यहाँ पंचकुला है मुझे ये रास्ता पकड़ के मैं जाऊंगा अपना लगाया और चलाना शुरू किया गाड़ी या बैठे हुए हैं जा रही है गाड़ी अब जब ये जा रहे थे सपोज ऐसे ऐसे जा रहे थे और अचानक ऐसे रास्ते आए यहां पे तीन चार रास्ते इनको दिखने लगे अब इनको समझ में नहीं आया किस तरफ जाना है और जीपीएस तो बता रहा है लेकिन इन्होंने क्या किया ये दूसरा रास्ता प्लान गया एक दूसरे रास्ते पे आ गए जैसे ही आप टर्न लेते हैं इस रास्ते पे गूगल मैप क्या करता है रीएडजस्ट करता है रीसेट करता है रीसेट री करता है रीसेट क्या करता है बोलता है कोई बात नहीं आपने गलत रास्ता लिया ना मैं आपको एक और रास्ता बता रहा हूं आप इस रास्ते से जाइए तब भी आप पंचकुलाई पहुंचेंगे राइट तो ये जो रीसेट का जो गलत रास्ते और गलत रास्ते हमारी गलतियाँ होती हैं जो हम जीवन में गलतियां करते हैं जैसे हमने अभी अभी हमारे हृदय में आ गया भगवान के धाम जाना है हमें भगवान की भक्ति करनी है और भगवान के धाम जाना है अभी इस रास्ते पे हमारा जीवन यहाँ पे है भगवान का धाम पंचकुला में है मान लीजिए अब इस रास्ते पे हमसे गलतियां होंगी हमारा गाइड कौन है हमारे गुरु है ये हमारा गूगल मैप कौन सा है गुरु हमारे गुरु जी हैं जो गुरुदेव होते हैं जिनका हम दीक्षा लेते हैं वो हमारे गूगल मैप बन जाते हैं हमारे गाइड वो हमें डायरेक्शन देते हैं हमसे गलतियां होती हैं तो हमारे गुरु गुरु साधु शास्त्र क्या करते हैं गुरु साधु शास्त्र जो होते हैं इसको रीसेट करते हैं कोई बात नहीं आपसे गलती हो गई ना आप इस तरीके से जाओ ये जो रीसेट करते हैं ये भगवान की करुणा है भगवान कर रहे हैं ये सब प्लान किस तरीके से जाओगे जो हम बार बार गलतियां भी कर रहे हैं तो भगवान रीसेट कर रहे हैं गूगल मैप की तरह गूगल मैप कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा इसके आपके मोबाइल में बैटरी और इंटरनेट रहे आज का गूगल मैप में ऑफलाइन भी आता है आप सेव कर सकते हो वो पाथ को इंटरनेट गया भी तो आपके पास रहेगा तो आ, तो ये जो गलतियां हम करते हैं तो भगवान गूगल मैप की तरह रीसेट करके हमें फिर से वो गोल को नहीं पंचकुला नहीं भूलेगा गूगल मैप पंचकुला ही पहुंचाएगा आपको चाहे वो घुमा फिरा के पहुंचाए चाहे आप दस बार अपनी इच्छा बदले राइट चाहे आप आप बोले थोड़ा दूर जाने के बाद बोले अरे भाई मुझे इच्छा नहीं हो रहा है ये रास्ता लेना है फिर आप बोले ये रास्ता लेना है ये रास्ता लेना है ये रा... आप हजार बार रास्ता बदलो हजार बार गूगल मैप रीसेट करेगा ये नहीं बोलेगा चले आप पैसा निकालो चलो अब अब इसके पास रिसट नहीं होगा भाई आपको यहीं जाना है राइट अगर रास्ते हैं तो अभी रास्ता नहीं है तो नदी में भी रिसर्च कर देता है आप जाओ नदी के बगल बग सेट हो जाओ तो अगर गूगल मैप को पता नहीं है तो आपको गड्ढे में भी ले जा सकता है तो इसीलिए जो हमारा गाइड होना चाहिए वो बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए नॉलेजेबल होना चाहिए जैसे गूगल मैप में नॉलेज है तो वो आपको बताएगा नहीं रहेगा तो रास्ता नहीं बताएगा राइट तो ऐसे ही गुरु हमें बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए जो हमें जिंदगी में जो हम गलत हमें गाइड करे गोल को ना भूले वो राइट और जो भगवान का धाम है वहां तक ले जाए और गलतियां जो हम करते हैं भगवान हमें माफ़ करते रहते हैं इसीलिए भगवान हमारे परम पिता माने जाते हैं क्योंकि पिता माता ही हमें माफ़ कर सकते हैं क्योंकि जो हमसे बड़े हैं जो बहुत करोड़ा हैं जो भगवान का जो करुणा शक्ति है जो राधा रानी है जो उनकी करुणा शक्ति है इंटरनल पोटेंसी है वो हमें माफ़ करती है और हम भक्ति में गलती करते हुए भी भक्ति करते जाते हैं करते जाते करते जाते गूगल मैप की तरह रीसेट करते जाते हैं भगवान रीसेट कर कोई बात नहीं कोई बात नहीं चौरासी लाख योनिया घूम के आए नहीं कर पाए फिर से कर, ट्राई करो फिर से ट्राई करो फिर से ट्राई करो फिर से ट्राई करो राइट तो इसलिए भगवान हमें कभी छोड़ते नहीं है इसीलिए हमें इच्छाएं केयरफुली करनी चाहिए प्लान भगवान हमारा पूरा करेंगे बताया ना मैंने इच्छा आपकी है इच्छा आप करो राइट जैसे युधिष्ठिर महाराज युद्ध करना चाहते थे ऐसा नहीं है जब एक क्षत्रिय थे उनका कर्तव्य था युद्ध करना युद्ध में विजयी कौन होगा वो भगवान की इच्छा थी युद्ध कैसे होगा भगवान की प्लान के हिसाब से हो रहा है भीष्म देव किसके खिलाफ लड़ेंगे किसके सपोर्ट में भगवान का प्लान है लेकिन युद्ध करना वो इच्छा थी पांडवों की भगवान जबरदस्ती नहीं झगड़ा करवा दिए राइट भगवान ने अर्जुन को भगवदगीता बोला तो गाइड किया और अंत में भगवान क्या बोलते हैं जैसा तुम सोचो सही वैसा करो मैंने तुम्हें सब बता दिया है गीता में अंत का श्लोक में भगवान यही बोलते तथा कुरु जैसा तुम्हारी इच्छा है वैसा करो अभी मैंने तुम्हारे साथ सारा ज्ञान दे दिया राइट तो भगवान कभी फोर्स नहीं करते क्यों क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं इसलिए वो कभी हमारे ऊपर फोर्स नहीं करते कोई चीज ओके सो हम यहाँ पे एंड करेंगे डिस्कशन हरे कृष्णा किसी का कुछ प्रश्न है जिज्ञासा है कुछ ऐड करना चाहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्ण प्रभु प्रश्न है कि जिस चीज हम कभी इच्छा नहीं करते वो भी हमें मिलती है तो वो क्यों है कैसे इस जन्म में नहीं इच्छा किए होंगे ना माता जी पिछले जन्म में किए होंगे भगवान तो सब रिकॉर्ड करते हैं ऐसा ऐसा तो नहीं है ना जैसे कुछ हमारे साथ गलत हो जाता है मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ जैसे मेरे हस्बैंड डिमाइज हो गए तो ये इच्छा तो मेरी कभी भी नहीं रही होगी ना हाँ तो ये उसको क्यों तो फिर ये ये किस कैसे वो कैसे हो गया यस yes, तो इसको समझने के लिए एक मिनट मैं लूंगा आपसे जैसे हमारे जीवन से कोई आकस्मिक चला जाता है राइट right? चाहे जी, जी. वो किसी का बच्चा पैदा हुआ तुरंत डेथ हो जाती है राइट right? या कोई पति कोई अर्ली एज में चला जाता है ऐसे बहुत सारे लोग चले जाते हैं तो प्रभुपात शास्त्र भगवत भागवतम में आप जाओगे पांचवें कैंटों में है आ, एक राजा थे उनके बच्चे की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और फिर नारद मुनि उस बच्चे को लेके आते हैं कहाँ से मृत्यु लोग से और बोलते हैं कि अब अपने बच्चे से तुम बात करो लो ये यहाँ पे है तो वो बच्चा बोलते वो वहां पर प्रोपाल बताते हैं नारद मुनि बताते हैं कि जो हमारे जीवन में जो आकस्मिक आत्माएं जो जो लोग आते हैं वो भी आत्माएं होती है चाहे वो हमारा पति हो पिता हो हस्बैंड हो वाइफ हो जो भी हो और वो हमें चला जाता है छोड़ के अचानक एक्चुअली दैट पर्सन वॉज आवर एनिमी इन द लास्ट लाइफ वो हमारे पिछले जन्म में दुश्मन थे उन्होंने हमें कष्ट देने के लिए इस जन्म में रिश्ता बनाया और फिर हमारे कर्म काटने हैं क्योंकि हमें कष्ट हो रहा है राइट right? तो वो क्या किए आधे में चले गए राइट right? तो वो हमारे एनिमी होते हैं वो पिछले जन्म के एनिमी होते हैं इस जन्म में दोस्त बन के आते हैं अभी पिछला जन्म हमें आप जैसे आपका उम्र अगर साठ साल है तो आपका पिछला जन्म पचास साल अभी सत्तर अस्सी साल पहले ही रहा होगा राइट right? अगर मनुष्य जन्म रहा होगा तो राइट और मनुष्य जन्म नहीं तो पता नहीं कौन कौन से जन्म हम ले चुके तो वो जो जो ऐसी चीजें इवे, जो इवेंट्स होती हैं ऐसी तो उसको समझने के लिए शास्त्र हमें भागवतम बताता है कि ऐसे लोग एनिमीज होते हैं जो हमें कष्ट देने के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है उससे हमारे कर्म कट रहे हैं हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए राइट तो ये शास्त्र का जो अक्षु है जो शास्त्र हमें बताता है माता जी आपने इस जन्म में इच्छा नहीं की शायद उनकी इच्छा रही होगी कि आपको ऐसे छोड़ के जाएंगे तो आपको कष्ट होगा ना दिक्कतें तो आपको <laughs> तो आप दो चीज दो, लो, दो लोग हर एक्शन में दो लोगों की इच्छाएं होती हैं कभी कभी हम नहीं चाहते और और अंत में हमारी इच्छा पिछले जन्म की होती है क्योंकि सारी इच्छाएं स्टोर हो जाती हैं माइंड में और माइंड दूसरे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है ओके प्रभु जी जैसे अब दोनों की इच्छा ना हो इस चीज में तो फिर कैसे यह घटित हो गया ऐसे नहीं होता है आपको कैसे पता उनकी इच्छा नहीं हो उनके पिछले पिछले जन्म में आपको भी नहीं पता हमें भी नहीं पता नहीं? पिछले जन्म तो नहीं आपको अपने ही जन्म का पिछले जन्म का नहीं पता सो तो हो सकता है आपका क्या रिश्ता किससे था हमें पता नहीं तो इसलिए हमें इसमें पढ़ने और सोचने से कुछ मिलने वाला नहीं क्योंकि क्यूँकी अभी श्लोक में जो आपने पढ़ा इस श्लोक में क्या बता रहे हैं इस श्लोक में बता रहे हैं कि यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उसके विषय में जिज्ञासा करते हैं लेकिन वे मोहित हो जाते हैं उनको भी नहीं पता लगता बड़े बड़े नॉलेजेबल फिलासफर लोग भी नहीं समझ पाते कि कोई चीज क्यों हो रही है पांडवों के साथ इतना गलत क्यों हुआ पांडव इतना कष्ट तो नहीं चाहते थे <laughs> राइट तो शुद्ध भक्तों के जीवन में जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है और हम बद्ध जीवों के जो जीवन में होता है वो हमारी इच्छा से होता है क्योंकि हम हम जन्म से तो शुद्ध भक्त नहीं है ना कहीं कहीं ना कहीं हमें भी जिंदगी में बहुत कुछ करना था पिछले जन्म की हमारी इच्छाएं हैं जो अभी भी चली रही हैं चलता जा रहा है रही। तो कुछ प्रारब्ध जैसे भी होता है प्रभु जी एक मिनट में एक कॉल आ रहा है से हेलो 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 हाँ बोलो हम क्लास ले थे प्रिया के फोन पे फोन करो हाँ नमस्कार समझ में आया माता जी प्रभु जी भक्त इस इसलिए मन की नहीं सुननी चाहिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं हमें शास्त्र साधु गुरु की सुननी चाहिए मन क्या क्या है मन तो मन को जो अच्छा लगता है वही बोलेगा तो बुद्धि को लगाना है और बुद्धि कहाँ से आती है शास्त्र से आती है गुरु से आती है साधु से आती है मैं मानता हूं उसको एक्सेप्ट करना कठिन होता है जैसे पांडव भी राजा थे और अचानक उनकी पत्नी के साथ बुरा हुआ उनको वन में डाल दिया गया वन में मारने का प्रयास किया जा रहा है फिर युद्ध करना पड़ रहा है और जो कुंती महारानी थी उनके पति अर्ली एज में चले गए मर गए पांडु पांच बच्चे को संभालना करना बहुत कठिन था कुंती महारानी के जीवन में तो उन्होंने कुछ ये मेरे कर्म के हिसाब से हुआ है आगे बढ़ो पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा हम अगला जन्म चाहिए ही नहीं चाहिए अब हमें अब किसी से कोई रिश्ता नहीं चाहिए इसी जीवन में भगवान के नाम जाना है खत्म क्योंकि रिश्ते बड़ा कष्ट देते हैं हम सबको अनुभव है ये तो yes. तो है रिश्ता भगवान का हमारा जो ओरिजिनल रिश्ता है उसको एक्टिवेट करिए और इस जीवन में रिश्ते कष्ट देंगे ही देंगे किसी भी जीवन में कष्ट देते ही आ रहे कर्म का जो जो प्रभाव है वो बहुत बहुत है तो हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए प्रयास करना चाहिए और जैसे जैसे आप चैंटिंग करोगे भागवतम पढ़ोगे भगवत गीता कुछ सालों में आप देखोगे आप ऑटोमेटिकली ये सब चीजें आपके दिमाग से हटी जाएंगी क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये सब okay? थैंक यू माध्यम हरे कृष्ण देवेंद्र प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम हर कृष्ण प्रभु जी दंडोदी दंडो प्रभु जी बहुत सुंदर कथा रही आपने बहुत अच्छे तरीके से सब बताया तो प्रभु जी देखिए कई बातें आज बन गई हैं हालांकि अब आज इसमें तो लिखा है कि हमें बड़े बड़े चिंतक जो है किसी प्रकार का विषय पे चिंतन नहीं करना चाहिए जो भगवान ने उपदेश दिया उसका पालन करना चाहिए तो इस बात को तो समझ रहा हूँ प्रभु जी की हाँ चलिए क्योंकि हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान श्री कृष्ण सातवें अध्याय में अब प्रभु जी यहाँ बात आती है कि अब चिंतन न करें अब इच्छा है जिज्ञासा बनती है तो कैसे हम जिज्ञासा प्रकट करें और कैसे हम भगवत चर्चा करें तो मैं ये भगवत चर्चा करना चाहता हूँ कि भगवान सब कुछ हर कारणों के कारण है तो भगवान जब सब कुछ कारणों के कारण है उनके बिना कुछ हो नहीं सकता है मान लीजिए हमने पहला पाप किया प्रभु जी की हम भगवान से द्वेष कर बैठे थे, थे। और हम भगवान जैसा ही भोग करना चाहते थे तो भगवान की जादू की छड़ी क्यों नहीं घुमाई या कि जैसे वो तो कुछ भी कर सकते हैं कि हमारे विचारों को बदल सकते हैं कि नहीं इसे शुद्ध सेवक बन जाएगा तो मेरे धाम में वापस आ जाएगा हम चौरासी लाख योनी से मुक्त हो जाएंगे तो एक जिज्ञासा तो यहाँ बनी पड़ी है प्रभु जी दूसरा ये कि अब भगवत चर्चा हमें कैसे करनी चाहिए चिंतन नहीं करना है कि भाई ये सृष्टि है हमें अभी नहीं मालूम जो श्वास हम ले रहे हैं वह वा वायु कहाँ से आ रही है जिन आंखों से हम देख रहे हैं वो कौन देख रहा है या शरीर आने वाले समय में छूटने वाला है बहुत से तो बड़े लोगों को हमने देखा परिवार के सदस्यों को बंधु बांधवों को जिनका शरीर चला गया तो यह जिज्ञासाएं स्वतः प्रकट होती है सूर्य देव सामने प्रकट हो रहे हैं नित्य जो है तो जैसे बताते हैं अमेरिका में दिन है तो इंडिया में रात है मतलब समय का परिवर्तन है तो जिज्ञासाएं वहां बन रही है प्रभु तो जी और कारणों के कारण भगवान है वो कह रहे कि इच्छा हमारी है तो यहाँ पर हमें इच्छा क्या करना चाहिए कि, कि हमारा एक इच्छा आप ये आप लोगों से सुन लिया हूं कि भगवान को भगवत प्राप्ति की इच्छा करनी है भगवत धाम की इच्छा करनी है या भगवान की चरणों की सेवा की इच्छा करनी है या साधु संघ की इच्छा करनी या भक्ति की इच्छा करनी है ये इच्छा तो समझ रहा हो प्रभु जी अब यहां पर देखिए दो तीन मतलब विचार कई बन गए प्रभु जी हमारे अंदर जो आज का श्लोक रहा अब गुरु की खोज कैसे करें गुरु की आपने गुरु पर चर्चा किया है कि गुरु ही हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए एक श्रेष्ठ गुरु जो हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे तो हम गुरु कैसे चयन करें और गुरु से अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करें प्रभु जी तो कुछ मार्गदर्शन करें हरे कृष्णा कृष्ण प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु समय तो हमारे पास उतना है नहीं <laughs> क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है डिस्कशन के लिए आ, लेकिन ब्रीफ में इच्छाएं पहला क्वेश्चन है इच्छाएं करना कैसे सीखें कैसे कैसे इच्छा करें क्या इच्छा करे राइट तो तक, अभी तक मुझे जो समझ में आया प्रभु जी गुरु साधु सुनते हुए पढ़ते हुए इच्छा ये करना चाहिए जो जो तो हम सीखते हैं अपने शास्त्र से गुरु से संत भक्तों से कि भगवान ऐसी इच्छा दीजिए मुझे कि मैं आपको कभी ना भूलूं किसी भी परिस्थिति में रहूं कहाँ पे भी रहूं नरक में स्वर्ग में चाहे जिस योनि में रहूं मैं आपके स्मरण को मैं कभी भूलूं नहीं ये, ये इच्छा करना तो कठिन नहीं है राइट जैसे कोई राजा बनना चाहता राजा बनो लेकिन भगवान को मत भूलो चाहे आप राक्षस बनो लेकिन भगवान को नहीं भूलो राइट जैसे जय जै विजय जै की कहा जो कथा है आएगी आगे तो जय विजय भगवान के पार्षद होते हैं लेकिन उनको अपराध हो जाता है वो आ, साधु के प्रति अपराध हो जाता है उनसे गलती से वो श्राप उनको लगता है फिर उनको बोलते हैं भगवान आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको एक जन्म में जाके मनुष्य पशु योनि में आपको रहना है और आपको युवा पश्चात आप करना है और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको तीन जन्म मिलेगा राक्षस योनि में तीन जन्म राक्षस योनि में मिलेगा लेकिन उस हर एक योनि में मैं आपको याद आऊंगा तो भक्त के भक्त रहते हैं भगवान के पार्षद वैकुंठ में तो वो क्या बोलते हैं हमें तीन जन्म मंजूर है कोई बोलेगा अरे बेकूफ तीन जन्म की एक जन्म में खत्म करना था ना तो अब एक जन्म आसान है कि तीन जन्म आसान है राक्षस योनि में तीन जन्म क्यों क्योंकि भगवान उनको कभी दूर नहीं किए तो वही जय विजय हिणाक्ष हिणा कश्यपु बन के आए फिर अलग अलग रूप में कुंभकर्ण रावण बन के आए लेकिन भगवान से बहुत क्लोज दुश्मनी का रिश्ता था रिश्ता तो था ना भगवान को तो याद करते थे कंस के रूप में शिशुपाल कंस आए तो भगवान से बड़ा गूढ़ दुश्मनी का ही रिश्ता सही रिश्ता तो था राइट तो ये इच्छा करनी चाहिए प्रभु जी कि भगवान कहीं भी मेरे कर्म के अनुसार आप मुझे योनि दोगे कहीं भी रखोगे कैसे भी रखोगे आपकी इच्छा लेकिन प्लीज मुझे अपने स्मरण से कभी वंचित नहीं करना मुझे कभी डिस्कनेक्ट नहीं करना अपना कनेक्शन मेरे से हाँ, हमेशा मेरे लिए जीपीएस बन के साथ में रहना कभी ऐसे नहीं कि इंटरनेट कनेक्शन काट के गायब हो जाइए हाँ। <laughs> तो दूसरा दूसरा का जो प्रश्न है गुरु को कैसे गुरु कैसे पता करें तो गुरु को पता करने से पहले ये पता करना चाहिए कि क्या हम शिष्य हैं क्या क्या हम शिष्य बनने लायक हैं कि नहीं है शिष्य की क्या क्वालिटी होती है क्वालिफिकेशन क्या होती है पहले अपने अंदर वो बनाने का प्रयास करना चाहिए कि क्या हम सही शिष्य हैं जिस दिन हम शिष्य हो जाएंगे उस दिन गुरु ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएंगे हमारे सामने हुँ? अगर तो हमें सबसे पहले शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए तो भगवान भगवत गीता में इसका भी फॉर्मूला देते हैं शिष्य कैसे बनोगे तत्विधि परि परिप्रश्न सेवया उपदेश से ज्ञान ज्ञा तत्वदर्शिना तत्पातेन परिपातेन तत्विद्धि मतलब होता है फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन इन द स्क्रिप्चर्स मतलब पहला क्वालिफिकेशन ऑफ पहले आप शिष्य बनो अच्छे परिपातेन तद परिपातेन परिप्रश्न सेवाया फिर जब आप गुरु से कभी मिलो जब ऐसे रियलाइज जो जो आपके लगे कि ये गुरु हैं तो उनसे प्रश्न पूछो परिप्रश्न एंड प्रश्न चैलेंजिंग मोड में नहीं इंक्वा में सब इंक्वायरी और फिर जब आपको गुरु मिल जाएंगे तो उनके प्रश्न पूछोगे और फिर उनकी सेवा करो परिप्रश्न सेवया और वो क्या करेंगे उपदेश देंगे आपको उपदेश ज्ञानम उनके पास ज्ञान है उसका उपदेश देंगे क्यों ज्ञानिनाम तत्व दर्शिना क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी देखा है सब कुछ जानते हैं वो ऐसा पर्सन ही गुरु बन सकता है तो इससे पहले हमें शिष्य बनना पड़ेगा और हमारी इच्छा करनी पड़ेगी तो अब शिष्य का क्वालिफिकेशन एक अलग ही टॉपिक है मैं नहीं जाऊंगा आज ज़्यादा लंबा टाइम ऑलरेडी हो चुका है भक्त लोग छः बजे से कॉल पे हैं टेंटिंग में जो लोग आते हैं दस लोग आते हैं कम से कम तो उनका टाइम का रिस्पेक्ट करते हुए

इच्छाओं पे एक ऐसा रहता है, इच्छा है कुछ इच्छा हम करें बट अगर हम किसी के संग में रहें कभी और तो देखो आप ऐसे लोग के साथ में रहो जिसके पास गाड़ी है बंगला है तो आपके अंदर वैसी इच्छाएं आने लगेंगी कभी आप साधुओं भक्तों के संग में रहो तो आपके अंदर इच्छा आने लगेगी बस ऐसा ही जीवन चाहिए तो एसोसिएशन जो है उसका बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे डिजायर के ऊपर तो इसलिए जो है हमें एसोसिएशन करना चाहिए जहाँ जैसा माहौल रहता है उसके हिसाब से हमारा मन क्योंकि अभी वो फ्लिकरिंग है टिक्स नहीं है आ, संग दोष और संग कृपा इस चीज होती है कि अगर हम संग करते हैं जैसा उसके हिसाब उसके अंदर कोई दोष है तो हमारे ऊपर दोष भी आ जाता है और किसी का संग करते हैं और अगर वो शुद्ध व्यक्ति है तो उसकी कृपा भी हमें प्राप्त होती है तो इसलिए भक्तों का संग में रहने का कोशिश करना चाहिए और फिर इच्छाएं वैसी हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे इसलिए प्रभुपात जी देखो जो सेवन के जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसके अंदर भक्त लोग साथ में आए सब लोग साथ में आए मंदिर हो जहां पे लोग साथ में मिले जुले तो ये इसीलिए प्रभुपात जी ने रखा है इसीलिए देखो बहुत सारे सत्संग होता है संडे लव पूरे सनातन धर्म में या हिंदुज्म में जो है अगर आप देखोगे तो इस में इसको वीकली प्रोग्राम्स होते हैं हालांकि अभी हम लोग सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम एवरीडे कर रहे हैं बट जनरल पब्लिक के लिए वीकली प्रोग्राम्स है है और भक्तों को प्रोत्साहित किया जाता रोज मॉर्निंग प्रोग्राम में आओ क्योंकि इसमें संघ मिलता है और जैसा संघ होगा उसी प्रकार से हमारी इच्छाएं आएंगी हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु यस वेरी इंपॉर्टेंट तो हम लोग देखिए आप सब लोग एक साल से चैंटिंग कर रहे हैं ऐसा प्रभु बता रहे हैं तो ये आपकी इच्छा थी और फिर भगवान ने अरेंजमेंट किया और फिर आप इच्छा को छोड़े नहीं तो आप अब इधर हैं वैसे तो चौबीस सौ लोग भगवदगीता सेशन में आए थे बहुत सारे लोग आए बट उसमें से तीस लोग ही बचे रहे <laughs> तो प्लान भगवान का भगवान हमें देते हैं बट हमारी इच्छा होती है कि हम करेंगे नहीं करेंगे और संगत लेंगे नहीं लेंगे वो भी एक क्या करेंगे भगवान मन, बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं एक दिन आएंगे लेकिन फिर उसके बाद नहीं आएंगे उनका उनका नहीं इच्छा है तो भगवान डंडा लेके थोड़ी पीछे घूमने वाले तो संगत फोर्स करता है आपको संगत हमारी इच्छाओं को एम्पलीफाई करता है राइट इच्छा, इच्छा, इच्छा शक्ति एक शब्द आता है इच्छा में शक्ति आ जाती है आपकी यस इच्छा में शक्ति आ जाती है करेक्ट इच्छा शक्ति बढ़ जाती है मतलब ना इच्छा में शक्ति थैंक यू ऑलराइट सो हम एंड करेंगे वांगछा कल्पतरुवे सजा कृपा संदिव्यैच पतितानां पावनिव्यौ वैष्णवं पय नमः

बहुत 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 हरे कृष्ण कृष्ण